प्रवासी चले गए। हम लोग यहाँ रिफ्लेक्शन एडिशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये सवाल हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये पूरा सवाल है तो हम एज इट इज नीचे उतारेंगे। 2 और 4 प्लस 3 और 6, तो ये जो दो नीचे वाले जगह जो नीचे वाले जो लफ्ज होते हैं ना, तो हम एक रफ कॉलम बना लेते हैं। रफ कॉलम इधर हम लोग एलसीएम में लिखते हैं 4 6 2 2 4 और 2 के टेबल में 3 2 3 6। अब देखते हैं 2 के टेबल में 3 आता है या नहीं आता। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 2 1 2 3 ऐसे तेज उतरेगा। तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 3 के टेबल में देखते हैं 3 1 3 और 1 ऐसे तेज उतार रहे हैं। तो अभी ये जो पूरा ये जो हुआ है ना, इसको हम लोगों ने अभी नीचे उतार रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू। अब हम लोग इसको देखेंगे 2 2 4 4 3 12। तो चले हम लोग लिखते हैं 12, लिख लिया हम लोगों ने 12। अब आप लोगों को आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, 12 कितनी जगह लिखना होगा हमें। तो 12 हमने लिखना है 3 जगह, एक इधर बाहर और इधर बाहर। सही है। और इसके बाद हमने करना है 3 6, बाद में देखते हैं कि दोनों कट रहे हैं या नहीं कट रहे। 6 1 6 6 2 12, तो ये भी कट गया। 4 1 4 4 2 8 4 3 12, तो हमने तो कर लिया। 3 2 6 और 2 3 6, तो इसमें बीच में प्लस का साइन था, हमने नीचे प्लस का साइन डाल दिया। उसके बाद फिर हमने देखना है 2 3 6 = 6 + 6 12 होता है 12, और जो ये नीचे का 12 है ना वो भी हमने नीचे डाल देना है। तो हम चले नीचे लिखते हैं 12 और 12 12 1 12 12 1 12। हम लोगों ने तो लिख लिया। अब हम देखते हैं ये दोनों तो कुछ और है नहीं है, तो हमने यहाँ पर हमारा आंसर आया 1।